गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो EVS में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्लोज के बारे में. हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लोज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा. फॉर एग्जांपल नीड्स ऑफ क्लोज, यानी कि क्लोज की हमें ज़रूरत क्यों होती है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं. जो क्लोज होते हैं वो हमें डस्ट से बचाते हैं, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, और हमें सर्दी से, गर्मी से और रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो हमने इन नीड्स के बारे में पढ़ा था. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो क्लोज होते हैं ना, वो हमारी थ्री प्राइमरी नीड्स में से एक होते हैं. जो हमारी, हमने पढ़ा था ना कि थ्री प्राइमरी नीड्स होती हैं हमारी, उन्हीं में से एक नीड होती है हमारी क्लोज की. और हमने ये भी पढ़ा कि हम समर में, विंटर में और रेनी सीजन में किस तरीके के क्लोज पहनते हैं, किस तरीके के कपड़ों का हम यूज़ करते हैं. आज हम जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. मीन्स जो फाइबर्स होते हैं ना बच्चों, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. और फाइबर से ही ना हम क्लोथ्स बनाते हैं. तो जो फाइबर होते हैं ना, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं, इसलिए हम उन्हें समर में पहनते हैं. और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें वार्म रखते हैं, उन्हें हम विंटर में पहनते हैं. तो डिफरेंट टाइप के ये फाइबर्स होते हैं, और आज हम फाइबर्स के बारे में ही थोड़ा जानेंगे. फाइबर्स बच्चों टू टाइप्स के होते हैं. नेचुरल फाइबर्स होते हैं एक तो, और एक होते हैं मेन मेड फाइबर्स. तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में. नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं बच्चों? ये वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से या किसी भी नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. और जो कॉटन होता है ना, वो एक नेचुरल फाइबर ही होता है. तो आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक नेचुरल फाइबर है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम. वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट. तो जो कॉटन फाइबर होता है ना, वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. बच्चों जो कॉटन का जो प्लांट होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है. देखिए, यह है इसकी स्टेम, यह है लीव्स. और अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए इसे, ये वाला ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना आपको, देखिए ये जो होता है ना, वो इस प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है. ये फ्लावर्स होते हैं इस प्लांट के, और इसी से हमें मिलता है अपना कॉटन फाइबर. ठीक है, यानी कि हमें कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट के फ्लावर पार्ट से हमें मिलता है कॉटन फाइबर. ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. कॉटन फाइबर्स आर स्पन टू मेक कॉटन थ्रेड. मीन्स जो कॉटन थ्रेड होता है ना, कॉटन थ्रेड बनाने के लिए हम कॉटन फाइबर का यूज़ करते हैं. कॉटन थ्रेड कैसा होता है बच्चों? देखिए, कॉटन थ्रेड कुछ ऐसा होता है. आपके घर में भी ये ज़रूर होगा, इसे हम रील भी बोलते हैं. ये कॉटन थ्रेड होता है. जब देखो बच्चों, जब हम इस फ्लावर प्लांट से, इस प्लांट से जब ये फ्लावर निकाल लेते हैं ना, ये फ्लावर कॉटन फ्लावर जब भी हम निकाल लेते हैं कॉटन पार्ट, फिर इससे हम बनाते हैं ये थ्रेड हम बनाते हैं. और इसी थ्रेड से हम बनाते हैं नए नए बढ़िया बढ़िया कलरफुल अलग अलग डिज़ाइन के क्लोज, है ना, जो हमें स्मार्ट लुक देते हैं, ब्यूटीफुल लुक देते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉटन थ्रेड्स आर वूवन टू मेक कॉटन क्लोथ्स. यस, जब कॉटन थ्रेड बन जाता है ना, फिर कॉटन थ्रेड का ही यूज़ करके हम बनाते हैं क्लोथ्स. डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिज़ाइन के हम बनाते हैं कॉटन क्लोथ्स. सो बच्चों, ये कॉटन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आज हमने ली है. आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है साफ साफ, और इसे समझना है. ठीक है, आप ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ इसको लिखना है. नो, सिर्फ लिखना नहीं है, आपको कॉटन के बारे में समझना है कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन मिलता है? फ्लावर पार्ट से. और फिर हम क्या बनाते हैं इससे? थ्रेड. इससे बनता है फिर थ्रेड. और फिर इस थ्रेड को बुनकर हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स. ठीक है, आपको इसे समझना है, इसे याद नहीं करना, समझना है. ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है. ठीक है, ओके, गुड लक.